दोस्तों हनुमान जी आगे कहते हैं, फिर कलयुग में तो धर्म केवल एक ही पाद से स्थित रहता है। इस तमोगुणी युग के आने पर भगवान श्याम वर्ण हो जाते हैं, वैदिक आचार नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म यज्ञ और क्रिया का ह्रास हो जाता है। इस समय व्याधि क्रोधादि दोष भांति भांति के उपद्रव मानसिक चिंता और शुद्धा इन सब की वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार युगों के परिवर्तन से धर्म में भी परिवर्तन होता रहता है और धर्म में परिवर्तन होने से लोक की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। जब लोक की स्थिति गिर जाती है तब उसके प्रवर्तक भावों का भी क्षय हो जाता है। अब शीघ्र ही कलयुग आने वाला है, इसलिए तुम्हें जो मेरा पूर्व रूप देखने का कौतूहल हुआ है वह ठीक नहीं है। ज्ञानी पुरुष व्यर्थ की बातों के लिए आग्रह नहीं किया करते। इस प्रकार तुमने मुझसे जो बातें पूछी थी वे सब मैंने कह दी, अब तुम प्रसन्नता पूर्वक जा सकते हो। भीमसेन ने कहा, मैं आपके पूर्व रूप को देखे बिना यहाँ से किसी प्रकार नहीं जा सकता। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे उसके दर्शन अवश्य कराइए। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर अपना वह रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया और वह लंबाई चौड़ाई में बहुत अधिक बढ़ गया। उस समय हनुमान जी के विशाल विग्रह से दूसरे वृक्षों के सहित वह केले का वन आच्छादित तो हो गया। भीमसेन अपने भाई का वह विशाल रूप देखकर बड़े विस्मित हुए और उनके शरीर में रोमांच हो आया। श्री हनुमान जी का वह विग्रह तेज में सूर्य के समान था। उसे देखते ही भीमसेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और वे हाथ जोड़कर कहने लगे, समर्थ हनुमान जी, मैंने आपके शरीर का महान विस्तार देख लिया, अब आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए। आप तो साक्षात उदित होते हुए सूर्य के समान हैं और मैनाक पर्वत के समान अपरिमित एवं दुराधर्श जान पड़ते हैं। मैं आपकी ओर नहीं देख सकता। हे वीर, मेरे मन में तो आज यही बड़ा आश्चर्य है कि आपके समीप रहते हुए भी श्री राम जी को रावण से स्वयं युद्ध करना पड़ा। उस लंका को तो उसके योद्धाओं के साथ आप ही अपने बाहुबल से नष्ट कर सकते थे। पवन नंदन, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। रावण तो अपने परिकर के सहित अकेले आपसे ही लड़ने में समर्थ नहीं था। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने बड़े मधुर और गंभीर शब्दों में कहा, भारत, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। वह अधम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था, किंतु उस रावण को यदि मैं मार डालता तो श्री राम जी को यह कीर्ति कैसे मिलती। इसी से मैंने उसकी उपेक्षा कर दी थी। श्री रघुनाथ जी ने सेना के सहित उस राक्षस का वध किया और देवी सीता जी को अपनी पुरी में ले आए। इससे लोगों में उनका सुयश भी फैल गया। अच्छा बुद्धिमान, अब तुम जाओ, देखो यह सामने वाला मार्ग सौगंधिक वन को जाता है। वहाँ तुम्हें यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित कुबेर जी का उपवन मिलेगा। तुम स्वयं ही शीघ्रता से पुष्प चयन मत करने लगना। मनुष्यों को तो विशेष रूप से देवताओं का मान करना ही चाहिए। भैया, धर्म को जाने बिना और बड़ों की सेवा किए बिना बृहस्पति देव के समान होते हुए भी तुम धर्म और अर्थ के तत्व को नहीं जान सकते। किसी समय अधर्म धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म हो जाता है। अतः धर्म और अधर्म का अलग अलग ज्ञान होना चाहिए। बुद्धिहीन लोग इससे मोहित हो जाते हैं। धर्म आचार से होता है। धर्म में वेद प्रतिष्ठित हैं। वेदों से यज्ञ की प्रवृत्ति हुई है और यज्ञों में देवताओं की स्थिति है। देवताओं की आजीविका वेदाचार के विधान से बतलाए हुए यज्ञों पर है और मनुष्यों का आधार बृहस्पति देव और शुक्र देव की बनाई हुई नीतियां हैं। इनमें ब्राह्मण लोग वेद पाठ से, वैश्य व्यापार से और क्षत्रिय दंड नीति से अपना निर्वाह करते हैं। इन तीनों वृत्तियों का ठीक ठीक प्रयोग होने से लोक यात्रा का निर्वाह होता है। द्वि जातियों में ब्राह्मण का मुख्य धर्म आत्मज्ञान है तथा यज्ञ, अध्ययन और दान ये तीन साधारण धर्म हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय का मुख्य धर्म प्रजापालन है और वैश्य का पशुपालन तथा तीनों वर्णों की सेवा करना यह शूद्रों का मुख्य धर्म है। कुंती नंदन, तुम्हारा प्रधान धर्म तो
प्रजापालन ही है, उसका तुम विनय और इंद्रिय संयम पूर्वक पालन करो। जो राजा वृद्ध साधु और विद्वानों के साथ परामर्श करके शासन करता है वह राज दंड धारण कर सकता है, दुर्व्यसनी का तो तिरस्कार ही होता है। जब राजा प्रजा के निग्रह और अनुग्रह में उचित रीति से प्रवृत्त होता है तभी लोक की मर्यादा सुव्यवस्थित होती है। अतः राजा को देश और दुर्ग में अपने शत्रु और मित्रों की सेनाओं की स्थिति वृद्धि और क्षय का दूतों द्वारा सर्वदा पता लगाते रहना चाहिए। राजा को साम दान भेद दंड और उपेक्षा इन 5 साधनों के प्रयोग द्वारा अपने काम बना लेने चाहिए।